जीएफएस वालों ने एक अपना किरदार अदा किया और एक बहुत अच्छा काम किया है। फैसल भाई, थोड़ा सा सैम प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। बात ऐसी है कि सैम प्रॉपर्टी डीलर्स से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, आज अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब नफीस है और मैं डीलदाबाद के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग अक्सर आउटसाइड की वीडियोस बनाते रहते हैं, इंडोर्स भी बनाते हैं लेकिन आउटसाइड ज़्यादा बनाते हैं, तो इस हिसाब को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो आज हम लोग मौजूद हैं सैम प्रॉपर्टी डीलर्स के पास, जो कि डीलदाबाद के साथ जिन्होंने डीलरशिप साइन करी है, यानी कि डीलदाबाद के वो ऑथराइज डीलर हो चुके हैं, यानी कि सैम प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अब डीलदाबाद के ऑथराइज डीलर हैं। तो एक तो ये गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग जानते हैं कि डीलदाबाद जो है अपने एंड यूज़र्स के लिए हमेशा आसानियां लेकर आता रहता है। तो इसी तरीके से ये एक आसानी और भी है कि आप लोग सैम प्रॉपर्टी डीलर्स के पास आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डीलदाबाद के पास आके वो आप अब यहाँ पर भी आके अब कर सकते हैं। आप लोग के लिए एक आसानी ये भी है, और दूसरी चीज़ ये कि आप जानते हैं कि डीलदाबाद जो है हमेशा बेहतरीन डील्स लेकर आता रहता है, और अपने एंड यूज़र्स को हमेशा कहता है, वो हमेशा इजी रिलैक्सेशन देता है कि कोई अपने एंड यूज़र्स को कोई परेशानी ना हो। जी तो अब हम लोगों के साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम भट्टी साहब, जो कि तारिक रोड के एसोसिएट के प्रेसिडेंट हैं, और हम लोग इनसे जानेंगे कि आप लोगों को डीलदाबाद के साथ ज्वाइन करके यानी कि कैसा लगा, और जो सैम प्रॉपर्टी है उनके साथ आपको ज्वाइन करके कैसा लगा, और आपकी जो सेल्स वगैरह है उन पर आपको कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इस वक्त सैम प्रॉपर्टी डीलर वालों के पास बैठा हुआ हूँ और एक ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। जीएफएस वालों के साथ इन्होंने जो अपना अलाक किया है, इसमें ये इनके जेन्युइन प्रॉपर्टी डीलर हैं। मैं अपनी मार्केट और अपने इस पाकिस्तान की आवाम से इस बात की अपील करूँगा कि इनसे आकर अपना रابطہ करें, और बेहतर से बेहतर रहाइश इनके थ्रू है ना आप बुकिंग कराएं, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग नई आबादियां, नई जगहें आबाद करो। इसमें जीएफएस वालों ने एक अपना किरदार अदा किया और एक बहुत अच्छा काम किया है, और मैं कहूंगा कि अल्लाह इन दोनों की रोज़ी रोज़गार और रिस्क में इजाफ़ा करे और इन्हें कामयाबी दे। मैं दोबारा सैम प्रॉपर्टी डीलर वालों से उनके लिए आपके लिए दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इनके लिए ताबुन करें और ये काम करें। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे इस तारिक रोड के ऊपर ये एक एजेंसी खुली, और इसके थ्रू है ना लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद आजम साहब, आप डीलदाबाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डीलदाबाद माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इदारा है, और इन्होंने सुरजानी के अंदर भी एक कपड़ा मार्केट के हवाले से एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, और उसमें आवाम की काफ़ी पजीराई है, और मैं लोगों से भी कहूँगा कि वह आएँ और देखें इन प्रोजेक्ट जो उन्होंने माशाल्लाह शुरू किए हुए हैं। इंशाल्लाह आपको देख के खुशी होगी और आप वहाँ पर अपनी दुकान कारोबार और रिहाइश इख्तियार करना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। असलम भाई, आदम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है अगले किसी चीज़ में इंशाल्लाह। जी तो हम लोग मौजूद हैं मुस्तफ़ा शाहिद के साथ, जो कि स्विस बिल्डर एंड डेवलपर्स के सीईओ हैं। तो बाकी चीज़ें हम लोग इनसे जानेंगे, पूछेंगे कि डीलदाबाद के साथ और सैम्स बिल्डर डेवलपर के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली सैम्स बिल्डर एंड डेवलपर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा रहा था, इनसे ये बताएंगे, थोड़ा इनसे जानेंगे हम लोग इस बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, आप सुनाए खैर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझसे बाबा भाई थोड़ा सा बताएं सैम प्रॉपर्टी के बारे में और जीएफएस के बारे में और डीलदाबाद के बारे में। मैं सॉरी, आपका नाम अगेन? आकिब नफीस। आतिब भाई, बात ऐसी है कि सैम प्रॉपर्टी डीलर्स से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, आज तकरीबन जो है 10 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारा इनके साथ कारोबार भी है, हमारे भाई हैं, सही ठीक है, इनको हम मुबारकबाद भी देते हैं, सही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए, सही है। बाकी जो बात रह गई
ये ऑथराइज डीलर हैं डीलजाबाद के, सही है? बिल्कुल ठीक है। और मैं सारी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इनका जीएफएस का प्रोजेक्ट है डील, उसमें बेफिक्र होके आप जो है बुकिंग करवाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह ताला कामयाबी ही अता फरमाएगा, सही है। और इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉफिट ही मिलेगा, सही है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सारी एनओसीज इनके पास हैं, सही है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इंशाल्लाह हमारे इनसे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है काम में, ठीक है। तो बेफिक्र होके बुकिंग करवाएं, ठीक है, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही। इंशाल्लाह अल्लाह पाक पैसे का प्रॉफिट देगा ही, सही है, ठीक है। जहाँ पे क्योंकि जीएफएस बिल्डर्स मेहनत भी करता है, और दूसरी बात यह है कि नियत साफ हो मंजिल आसान, ठीक है। तो सब से बस यही रिक्वेस्ट है कि बुकिंग से ज़रा भी हिचकिचाएं नहीं, सही है, बस बिस्मिल्लाह करें, सही है, कामयाबी तरफ फरमाने वाला इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुझसे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो हम लोग मौजूद हैं शेख फैसल के साथ, जो कि फाउंडर हैं शेख ग्रुप ऑफ कंपनीज के। तो हम लोग इनसे जानेंगे सैम के बारे में कि इनके साथ इनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, और इनको ये अब वेल विशेस क्या दे रहे हैं, और थोड़ा सा जी एफ एस के बारे में भी जानेंगे और डीलजाबाद के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल खैरियत से? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। फैसल भाई थोड़ा सा सैम प्रॉपर्टी के बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सैम प्रॉपर्टीज़ के मोहम्मद साद को और असद भाई को, जो माशाल्लाह क्या नाम है जीएफएस के साथ जो है वो डीलरशिप के तौर पे काम भी कर रहे हैं, और आगे मजीद प्रोजेक्टों के अंदर जो है इनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उनके लिए वेल विशर हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे और हमारी सपोर्ट इनके साथ रहेगी इंशाल्लाह। और थोड़ा सा डीलजाबाद के बारे में बताइएगा कि डीलजाबाद को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, जो कि इनके साथ ऑथराइज डीलर है। डीलजाबाद जो है माशाल्लाह एक उभरता हुआ सितारा है, और हम दुआ को हैं कि जिस तरह से ये मेहनत कर रही पूरी टीम, हम उनको जो है वेल विश करना चाहेंगे और मुबारकबाद देंगे, और इनके सपोर्ट के लिए हम हमेशा साथ रहेंगे इनके इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका टाइम देने का, बहुत कीमती टाइम आपका है, हम लोग फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, डीलजाबाद को भी मुबारक हो और सैम प्रॉपर्टीज़ को भी मुबारकबाद देता हूँ। डीलजाबाद की तरफ से मैं प्रोजेक्ट हेड नॉट टाउन सैयद फहद रियाज, हमने डीलजाबाद ने आज ऑथराइज डीलरशिप इनकी फ़ाइनल की सैम प्रॉपर्टीज़ की, सैम प्रॉपर्टीज़ का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमसे हमारी तरफ तवज्जो हुए और हमें एक रिज़ल्ट इन्होंने दिया। रिज़ल्ट के देने के साथ साथ फिर हमने इनको एक अपना ऑथराइज डीलर भी बनाया डीलजाबाद का। डीलजाबाद का जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीलजाबाद का एक स्लोगन है, डीलजाबाद करे आपके ख्वाबों को आबाद। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको डिलीवर करें और ये हमारे साथ एक अच्छा बिज़नेस रिलेशन इनका हो गया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सैम प्रॉपर्टीज़ के ओनर को, सीईओ को साद और असद, जो कि ये आपस में पार्टनर भी हैं और हमारे साथ हमारे ऑथराइज डीलर भी हैं। तो मैं असद और साद की तरफ वो करता हूँ कि अब ये आपको अपनी राय से आगाह करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, सैयद फहद साहब ने हम पे भरोसा करके हमारे साथ काम करके उन्होंने हमारा काम देखा, हम पे एतमाद किया, और एतमाद करने के साथ साथ उन्होंने हमें डीलरशिप ऑफर करी। एक अच्छा नाम है, अच्छा काम है, अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के ऊपर, रिहाइश के पर्पस पे, जो कि अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। हमारा काम है अवाम को फ़ायदा पहुँचाना, ना कि नुकसान। हम वो चीज़ आवाम को प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके लिए फेवरेबल हो। सो जुड़े रहिए सैम प्रॉपर्टीज़ के साथ, डीलजाबाद के साथ, डीलजाबाद आपके ख्वाबों को करे आबाद। जज़ाकअल्लाह। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ डीलजाबाद की तरफ से कि उन्होंने हमें डीलरशिप ये दी और हम लोगों के साथ इस काम में जुड़े, और हम लोग भी इनके साथ लाइफ टाइम चलते रहेंगे। डीलजाबाद करे आपके ख्वाबों को आबाद। ये एक छोटा सा इंट्रो था सैम प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि इनके हक़ में भी और हमारे हक़ में भी ये बहुत अच्छा रहा और हम एक दूसरे के साथ सिंसेरिटी से चलते रहें। थैंक यू वेरी मच।
जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किन किन लोगों से बात करी और कौन कौन सी शख्सियत यहाँ पे मौजूद थी और जिनसे हम लोगों ने मुलाकात करी और उनसे जाना सेम प्रॉपर्टी के बारे में और दिलदाबाद के बारे में। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि दिलदाबाद हमेशा कुछ डिफरेंट लेकर आता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि दिलदाबाद हमेशा कुछ डिफरेंट लेकर आ रहा होता है, तो इसी तरीके से इस दफ़ा भी दिलदाबाद कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर आया था। तो हम लोगों ने आप लोगों के सामने ये चीज़ लेकर आए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे और आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना रहे। तो इसी तरीके से मुझे दें इजाज़त, मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दिलदाबाद करे आपके ख्वाबों को आबाद।